दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको नींबू उगाने का तरीका बताने वाला हूँ, वो भी बीज के द्वारा। ये देख सकते हैं हमारा जो ये नींबू का पौधा है कितना ज्यादा घना हो रहा है और उसमें कितने भर भर के नींबू आ रहे हैं। तो अगर आप भी बीज के द्वारा घर में नींबू उगाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा कामयाब होने वाली है, क्योंकि मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस एक नींबू से निकालने के बाद बीज को कैसे जर्मिनेट किया जाता है और बीज को जर्मिनेट करने के बाद इसमें कितने महीने में या फिर कितने साल में फ्रूट आ जाता है और इसकी केयर कैसे की जाती है। क्योंकि कई वीडियो मैंने देखी है लेकिन आपको सही तरीका नहीं बताया गया है, क्योंकि लगभग 90% लोगों को यही नहीं पता होता है नींबू के पौधे को कैसे जर्मिनेट किया जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप भी इतने ही ढेर सारे नींबू अपने घर के छोटे से गमले में लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं नींबू से नींबू का पौधा कैसे उगाना है। तो नींबू से नींबू का पौधा उगाने के लिए सबसे पहले तो इसके हमें सीड्स यानी कि हमें इसके बीज चाहिए होंगे। तो इसका बीज लेने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले तो आप इसको अच्छी तरीके से वॉश करके आप कोई सी भी वैरायटी का लगा सकते हैं। अगर आप देसी नींबू का पौधा लगाएंगे तो देसी नींबू के पौधे में ज्यादा फायदेमंद मतलब कई चीजें होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों नींबू के और भी कई पौधे आते हैं जैसे कि बारहमासी जो साल में 3-4 बार नींबू मिलता है वो वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ नींबू के पौधे को आपको कैसे ग्रो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने नींबू को इस तरीके से काट दिया है। तो नींबू को इस तरीके से काटने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारे इसमें सीड निकल रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये हमारे सीड है, तो ये सीड को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। जो हमारे साबुत सीड है मतलब टूटे फूटे हमें नहीं निकालने हैं। देखिए इस तरीके से हम 3-4 सीड यहाँ से निकाल लेंगे। अभी देखिए दोस्तों लगभग हमने 4 बीज निकाल लिए हैं, क्योंकि ज्यादा हम बीज जर्मिनेट नहीं करेंगे। और दोस्तों जब भी आप कभी भी किसी भी चीज का अगर बीज उगाते हैं तो इस बात का आप ध्यान रखें, आप एक बीज कभी भी मत उगाइए। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब भी आप कोई बीज उगाते हैं तो उसका जर्मिनेशन रेट 100% नहीं रहता है। अगर आप 4 बीज लगाएंगे तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आपके 3 नहीं उगते हैं लेकिन 1 उग जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है 4 हमारे बीज सही तरीके से उग जाते हैं। इसलिए आपको 4 तो कम से कम उगाने ही होंगे अगर आपको 1 प्लांट्स लगाना है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कोई एक बर्तन लेना है और बीज को हम इस प्रकार से डाल देंगे। ध्यान से समझिए मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ। अब इस नींबू का काम खत्म हो चुका है, इसको हम हटा देंगे। इसका आप रस यूज कर सकते हैं, इसको हम साइड में रखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पानी डालेंगे इसमें अच्छी तरीके से। इस प्रकार से पानी डालने के बाद दोस्तों इस बीज में आपने देखा होगा थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो हम इस तरीके से सबसे पहले तो ये देखिए इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, लगभग 2-3 बार हम इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इसको लगभग हम 1 घंटे या फिर 2 घंटे के लिए आप इसको ऐसे ही भीगे रहने दीजिए। इससे होगा कि आप जब बीज को जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट की जो आपकी प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको 2-3 बार वॉश करने के बाद इसको 1-2 घंटे के लिए इसी तरीके से पानी में छोड़ देते हैं। अब दोस्तों नींबू के बीज को हमने लगभग 1 घंटे पहले भिगो दिया था, अब 1 घंटे का समय हो चुका है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस बीज को हम अच्छी तरीके से मतलब इसके पानी में से बाहर निकाल लेंगे। इसके लिए देखिए एक हमने कपड़ा रख दिया है किसी एक बर्तन पे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से पानी इसका निकाल लेंगे। ये देखिए उसके बाद ये हमारे 4 बीज आ चुके हैं। अब हम इस बीज को जर्मिनेट करेंगे। ध्यान से समझिए मैं आपको बिल्कुल सही प्रक्रिया बता रहा हूँ। अभी बीज जो है हमारे अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएंगे, जितना ज्यादा आप इसको भिगोते हैं उतना ही जल्दी ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में, अब बीज जर्मिनेशन की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो बीज जर्मिनेट करने के लिए ये देखिए मैंने डिस्पोजल के ये गिलास ले रखे हैं। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैंने ये गिलास ही क्यों लिए हैं, इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो दोस्तों इस डिस्पोजल का फायदा ये होता है कि ये जो डिस्पोजल है ये कागज का बना हुआ होता है। तो जैसे कि हमारी रूट जब डेवलप हो जाएगी मतलब इसमें हमारी रूट आने लगेगी बीज में, तो हम क्या करेंगे जब भी इसको हम किसी भी गमले में ट्रांसप्लांट करेंगे तो इसका जो हिस्सा है मतलब हम इसको कागज को इस तरीके से फाड़ के और लगा देंगे। इससे हमारा एक फायदा ये होगा, हमारी रूट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी और हमारा पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ ले लेगा। तो ये फायदा होता है डिस्पोजल में लगाने का। तो डिस्पोजल में लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें मिट्टी सही तरीके से बनानी है। तो मिट्टी किस प्रकार से बनानी है मैं आपको ध्यान से दिखाता हूँ। तो देखिए मिट्टी बनाने के लिए सबसे पहले जो तरीका है वो ये है, अगर जब भी आप कोई बीज जर्मिनेट करते हैं तो बीज जर्मिनेट करने के लिए आपको लगभग 80% तो गार्डन सोइल लेनी है, और इसमें आप 20% से 30% गोबर की खाद या फिर बर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लीजिए। इससे आपकी जो बीज प्रक्रिया है जो मतलब आपका बीज जर्मिनेट होगा वो अच्छा होगा और जल्दी हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हमें इसको जर्मिनेट करना है। इसके लिए सबसे पहले जो हमने डिस्पोजल लिया है इसमें हमें एक काम करना होगा दोस्तों, इसमें हम नीचे होल कर लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें पानी डालेंगे तो हो सकता है इसमें पानी नीचे की साइड में बैठ जाए और हमारा ये डिस्पोजल भी बेकार हो सकता है। और इसके ये देखिए इस तरीके से हम इसमें सबसे पहले तो एक नीचे होल कर लेंगे। होल करने के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमने मिट्टी बना रखी है, जो हमने गार्डन सोइल बना रखी है, इसको हम इसमें भर देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भरने के बाद होगा क्या दोस्तों, हमारा जो बीज जर्मिनेट है वो अच्छी तरीके से होगा। तो ये देखिए इस प्रकार से हमने भर लिया है। अब देखिए दोस्तों इसमें हमने मिट्टी अच्छी तरीके से भर दी है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम भरपूर पानी देंगे। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि नीचे से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अब हम इसमें दोबारा पानी नहीं डालेंगे। दोबारा पानी इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि जो बीज की प्रक्रिया होती है उसमें बार बार पानी नहीं देना होता है, इससे हमारा बीज जो है सड़ जाता है। तो अब हमें इसमें पानी जब भी देना है जब इसके ऊपर की मिट्टी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई बीज जर्मिनेट करते हैं तो बीज जर्मिनेट करते समय इसमें जो है थोड़ा सा पानी का मॉइस्चर भी रहना चाहिए। मॉइस्चर रहेगा तो हमारा बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट होगा। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बीज एक एक करके रखते हैं। तो इस
उसमें हम दो बीज लगाएंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमने एक बीज यहाँ पर इस तरीके से रख दिया है, इसी प्रकार से हम दूसरा बीज भी रख देंगे एक गमले में, या फिर आप एक छोटी सी चीज में दो ही बीज लगाएं। अगर आप एक लगाएंगे तो हो सकता है उसका जर्मिनेट रेट अच्छा ना हो, तो ये दूसरा जो बीज है ये जर्मिनेट हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि हमने इस तरीके से ये रख दिया है बीज, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे इस प्रकार से। ये देखिए जैसे कि बीज है, बस बीज हल्का सा यहाँ से ढक जाना चाहिए, ज्यादा मिट्टी हम इसके ऊपर नहीं डालेंगे। इस तरीके से हम थोड़ी सी मिट्टी की लेयर इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें पानी का हल्का सा छिड़काव कर देंगे और बस अब हमारा काम हो चुका है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसमें हल्का सा पानी डालने के बाद जैसे कि हमने इस पर पानी का इस तरीके से छिड़काव कर दिया, तो देखिए पानी इसमें अच्छी तरीके से नीचे बैठ जाएगा। बस अब हमारा काम हो चुका है, हमारी बीज लगाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। तो इस तरीके से आप बीज लगाएंगे तो आपका बीज का जर्मिनेट रेट बहुत ही अच्छा होता है। इस बीज लगाने के बाद मैं आपको इसका रिजल्ट भी दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी ये बीज जर्मिनेट आप करेंगे तो इस बीज के जो लगाने का जो आपका जो भी गमला या फिर जिस भी चीज में आप लगा रहे हैं उसको आपको ऐसे स्थान पर लगाना है जहाँ पर बिल्कुल छाया हो। आपको उसको धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है और इसके ऊपर मॉइस्चर बनाए रखना है, जैसे कि ऊपर से बिल्कुल सूखने लगे तो इसके ऊपर आपको पानी का स्प्रे कर देना है, जिससे इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर बना रहेगा। अब दोस्तों इसको लगाने के बाद एक बात का आपको और ध्यान रखना है, आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा बीज जल्दी जर्मिनेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि नींबू का जो बीज होता है इसको जर्मिनेट होने में 1 से 2 महीने का समय भी लग जाता है। बस आपको इस पर स्प्रे करते रहना है पानी का, और इसके बाद 1 या फिर 2 महीने के अंदर आपको इसमें छोटे छोटे से बड्स निकलते हुए दिखाई देंगे और आपका जो बीज है जर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद जैसे कि इसमें लगभग 3 पत्ते आ जाएं तो आपको क्या करना है, इसको आपको ट्रांसप्लांट कर देना है किसी बड़े गमले में। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने बीज के द्वारा पौधा लगाया था वो कितना बड़ा है और उसमें फल आने में कितना समय लगेगा। अब दोस्तों ये मेरा वो पौधा है जो मैंने बीज के द्वारा उगाया था, आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट। इसको लगाए हुए मुझे लगभग 1 साल का समय हो चुका है और इसको मैंने थोड़ा सा घना भी बनाया है। तो इसको घना बनाने का तरीका ये होता है, जैसे कि इसकी एक टहनी यहाँ पर ऊपर चलती है, तो मैंने क्या करा इसके ऊपर से कटिंग कर दी और ये देखिए इसमें नई नई साइड ब्रांच निकलनी शुरू हो गई। अब सवाल आपका ये आ रहा होगा कि इसमें हमारा फ्रूट कितने दिन में आएगा। तो दोस्तों जब भी आप बीज के द्वारा नींबू का पौधा उगाएंगे तो इसमें हमारा फ्रूट लगने में कम से कम 3 से 4 साल का समय लग सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप बीज के द्वारा नींबू का पौधा उगाएंगे तो 3 से 4 साल के अंदर अंदर इसमें फ्रूट आ जाएगा और ज्यादा समय भी लग सकता है। वहीं अगर आप एयर लेयरिंग से तैयार पौधा करेंगे नींबू का तो उसमें 1 साल के अंदर फ्रूट लग जाता है, या फिर आप कलम के द्वारा लगाएंगे तब भी 1 साल में फ्रूट आ जाता है। बीज के द्वारा उगाने में थोड़ा समय लग जाता है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया था वो एयर लेयरिंग से तैयार हमारा पौधा था नींबू का, इसीलिए उसमें 1 साल के अंदर अंदर फ्रूट आना शुरू हो गया था। तो दोस्तों अगर आपको कलम से लगाना है नींबू का पौधा तो उसकी प्रोसेस क्या है, अगर आपको वो जानना है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और उसकी फुल डिटेल में वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल HLD एक्सपेरिमेंट को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको जल्दी ही उसकी नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप समझ ही गए होंगे बीज के द्वारा नींबू के पौधे को कैसे उगाया जाता है। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।